जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम हमारे पेंडिंग थे, आज हम स्टार्ट करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में। ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये पाकिस्तान में साउदर्न पंजाब, चुलस्तान जिसे कहते हैं, पाया जाता है, या इसके अलावा फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, यासमान, बहावलपुर, खानपुर या रहीम यार खान में। तो अगर ये डेजर्ट इकोसिस्टम सिंध में पाया जाए तो हम इसे कहते हैं थल, अगर ये वेस्टर्न पंजाब में पाया जाए तो हम इसे कहते हैं थल, जस्ट लाइक थल मियांवाली या बखर में पाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो लोकेशन है वो तकरीबन 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड पे है। मेजर माउंटेन रेंजेस उन इलाकों में, या जो रेन शेडोज ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस, और ये रेनफॉल सबसे कम तकरीबन बारिशें यहाँ पर होती है, तकरीबन 25 to 50 सेंटीमीटर, यानी 250 to 500 mm। अगर आपने इंचीज में लेना है तो 10 to 20 inches, या यहाँ पर बारिशें नहीं भी होती। लेकिन सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका एंड डेजर्ट ऑफ चिली, वेयर इट वर्चुअली नेवर रेन्स, तकरीबन ये जो अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है या जो चिली का, यहाँ पे बारिशें नहीं होती। नो वेजिटेशन इन दीज डेजर्ट्स, के ज्यादा बारिश नहीं होगी तो वेजिटेशन, प्लांट्स या एनिमल्स भी यहाँ पर नहीं है। प्लांट लाइफ यहाँ पर स्पेस इवनली, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, लेकिन जाहिर है पानी नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। इन्होंने कुछ ऐसी अडेप्टेशन करनी है कि पानी को ये प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें पानी को। तो इस मकसद के लिए इनके अंदर वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग, यानी क्यूटिकल की लेयर होती है जो अवेपोरेशन से प्रोटेक्ट करके रखती है। जो पानी इनकी बॉडी सरफेस में था, प्रीशियस वाटर, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। पानी अगर कभी कोई बारिश हो जाए तो ये पानी को अपने फ्लैशी थिक स्टेम ऑफ कैक्टी या सकुलल प्लांट्स, या अपने प्लांट्स बॉडी के अंदर ये उसको प्रिजर्व कर लेती है या जजब कर लेती है, या उसको स्टोर, यूफोर्बिया, ये ड्राई सीजन में इस तरह से करते हैं। तो प्लांट लाइफ में बशीज या कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं इनमें, लेकिन एनिमल लाइफ यहाँ पर थोड़ी सी जरा डिफरेंट है। डे के टाइम तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि कोई एनिमल्स जल्दी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सन और उसकी हीट बहुत ज्यादा है। लेकिन अंडरग्राउंड अगर देखेंगे तो जिस जरा टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो ये अंडरग्राउंड जरा ज्यादा होते हैं। लेकिन जब अंधेरा आता है तो जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो यहाँ पे हॉर्न लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह, रेप्टाइल्स हैं, या इसके अलावा छोटे मोटे और जो जानदार हैं जो कम पानी में या पानी के बगैर जिंदा रह सकें, जिसमें बिग हॉर्न है या कैंग पाए जाते हैं। और एनिमल लाइफ यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइएस्ट टाइम जो है, खुश्क तरीन दौरानिया, वो साल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर पानी कम होने की वजह से बहुत ज्यादा जानदार नहीं पाए जाते, बहुत कम जानदार। तो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है डेजर्ट इकोसिस्टम में, कि इंसान ने अपनी एक्टिविटीज की वजह से डेजर्ट्स के एरियाज को बढ़ा दिया, यानी ग्रीन जो एरिया था उसको कट किया है। कटिंग, ग्रीन एरिया के कटिंग की वजह से जो इन्वायरमेंट था हमारा, ये डेजर्ट्स का, ये इंक्रीज करता जा रहा है। इसके इंक्रीज करने से क्या है कि डेजर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डेजर्ट्स का इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है, जिसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे साहल वगैरह है, या जो बॉर्डर साउदर्न एजिस हैं सहारा डेजर्ट्स की अफ्रीका में, वो गलत एक्टिविटीज की वजह से, गलत पॉलिसीज की वजह से सारी डेजर्ट्स में चेंज हो रही है। तो इसी तरह जो ये इन्वायरमेंट, फेमिनी या खुराक की कमी है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा जानदार नहीं पाए जाते। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इकोसिस्टम है, दैट इज टुंड्रा इकोसिस्टम। ये बहुत कम वेजिटेशन है, लाइज एट हाई लैटिट्यूड बिटवीन टैगा एंड पोलर आइस कैप्स, यानी एंट एट हाई एल्टीट्यूड अक्रॉस द माउंटेन अबव टिम्बर लाइन इज कॉल्ड टुंड्रा।
यानी एक्चुअली ये बहुत ठंडा जो इलाके हैं, बहुत ठंड यहाँ पर होती है। ठंड की वजह से यहाँ पर बहुत कम जानदार सरवाइव कर पाते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी होती है यहाँ पे। ये हाई लैटिट्यूड के ऊपर है तो आर्कटिक टुंड्रा कहलाएगा, और अगर ये टुंड्रा ऑफ हाई आल्टीट्यूड के ऊपर है, टुंड्रा ऑफ द हाई एल्टीट्यूड अर्काल अल्पाइन टुंड्रा, पाकिस्तान में कराकरम या कोहे हिंदुकश लोकेशन है। वर्ल्ड के अंदर ये नॉर्थ अमेरिका या इसी तरह साउथ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप या साइबेरिया जैसे ठंडे इलाके होते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे प्लांट्स की, ग्राउंड के ऊपर तो कार्पेटेड होते हैं, छोटे परिनियल फ्लावर्स होते हैं, ड्वार्फ विलोस जो कि फ्यू सेंटीमीटर्स के होते हैं, ज्यादा उनकी लेंथ नहीं होती है, 10 सेंटीमीटर तक तकरीबन इसके विलो है, ज्यादा मतलब नहीं। इसके अंदर रेंडीर मोस मॉसिस यहाँ पे पाए जाते हैं, लाइकन्स हैं जो कि रेंडीर मॉसिस, ये एक लाइकन एसोसिएशन है, नॉट अ मॉस। इसके अलावा पानी पूल्स की फॉर्म में अक्सर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो जैसे जानदार वहां पर पाए जाते हैं। बर्ड्स में डक्स और गीज वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे, डक्स वगैरह, और नेस्ट वगैरह बना के भी कुछ बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। कुछ ठंडे सीजन में जब विंटर सीजन आता है तो माइग्रेट करके आसपास के सराउंडिंग फेवरेबल रीजन में चले जाते हैं। इसी तरह से मतलब ये माइग्रेशन लगी रहती है। इसमें स्मॉल माउस लाइक एनिमल्स लाइक द आर्कटिक रीजन अर्काल लेमिंग्स, चूहे की तरह के ये जानवर होते हैं, लेमिंग्स वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह ये ड्वार्फ विलोज, रेनडियर, मॉस्किटो, लेमिंग्स, वुल्व्स, स्नोई ओल्स, आर्कटिक फॉक्सेस या ग्रिजली बियर्स टाइप के, ग्रे हेड लार्ज बियर्स ये पाए जाते हैं। तो मोस्ट यानी कि ये फ्रेजाइल किस्म का इकोसिस्टम है, क्योंकि बड़ा नजम और नरम और नाजिक किस्म का है। यहाँ पे टेम्परेचर बड़ी तेजी से अप एंड डाउन होता है, जानदार को इतना मौका नहीं मिलता कि वो यहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे चले जाए। तो ये इंसान ने एक मतलब यहाँ पे अपना असर छोड़ा है। सिविलाइजेशन इज लोकल अराउंड ऑयल ड्रिलिंग साइट्स, पाइपलाइंस, माइंस या मिलिट्री बेसिस के तौर पर ये आजकल यूज हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत कम जानदार रहते हैं। तो लास्ट वाला हमारा टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इकोसिस्टम के अंदर। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है, खुराक की कमी हो रही है, कल्टीवेशन लैंड कम हो रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस वजह के साथ क्या है कि हमारा ये इकोसिस्टम जितना भी था ये डैमेज हो रहा है, इसने हमारी बहुत एक वाइड रेंज एरिया को डैमेज कर दिया। पॉल्यूशन बहुत, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग ने हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर दिया है, खराब कर दिया है। इसी तरह से डेजर्टिफिकेशन टाइप, इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिन्होंने हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर नंबर 26 आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 25 में। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।